नमस्कार। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मंगलमयी होंगे, सुखमयी होंगे। और अभी टाइम है गणेशमयी हो जाने का, तो आइए गणेशमयी होते हैं। पूरी दुनिया, पूरी संसार गणपति उत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। सबके हर्षोल्लास हैं। आप भी अगर विघ्नहर्ता सुखकर्ता को अपने घर में स्थापित करने जा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। इसके पहले की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताई हूँ कि विघ्नहर्ता की जब हम मूर्ति का चयन करते हैं तो किस किस बात का हम ध्यान रखते हैं, जब घर में उनको लेकर आते हैं कैसे लेकर आते हैं, दुकान से लेकर अपने घर तक में, घर पे घर के दरवाजे पे किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और घर में जब स्थापित करते हैं तो किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें और अपनों के साथ भी उस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को बढ़ाने के पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप घर में गणपति को स्थापना कर रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं तो जो आप भी मूर्ति का चयन करते टाइम में कुछ बातों का विशेष करके जरूर ध्यान रखिए। अगर आप नॉर्मली सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो बैठे हुए गणपति को ले आइए, जो सज श्रृंगार से लदे हुए हैं, वो तिलक लगाए हुए हैं माथे पे, और उनकी सूर बाई तरफ दाएं तरफ वाली सूर नहीं लेके आना है, क्योंकि वो सिद्धि विनायक में दाएं तरफ ही है और उनको लोग सब लोग शुभ मानता है इसलिए भी लेकर आता है। लेकिन नए घर में उन मूर्ति को नहीं लाना है, क्योंकि जो दाई और सूर वाले जो मूर्ति होती है थोड़े जिद्दी टाइप के गणपति वो होते हैं, तो उससे क्या होता है हमारे बच्चों पे और हमारे घर वालों पे भी जिद्दीपन वाली स्वभाव आती है, तो बाएं तरफ वाली ही मूर्ति का स्थापित घर में करें। दूसरी ये है कि अगर आप संतान प्राप्ति के हित में कर रहे हैं तो आप बाल रूपी गणपति का स्थापना घर में करें। इससे क्या होगा कि जो बाल रूपी गणपति जो होंगे अपने बालपन का जो एक वाइब्रेशन होती है, वो एक ऊर्जा जो होती है वो ऊर्जा अपने घर में छोड़ के जाते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर भी छोड़ के जाते हैं। तो जो यूनिवर्स जो होती है, यूनिवर्स सपोर्ट करती है, हमें सहायता करती है कि हमारी मनोकामना पूरी हो, जल्दी से जल्दी पूरी हो। और उनकी पूजा आदि भी खासकर विशेष करके उस बात का ध्यान आप लोग को रखना है कि जब बाल रूपी गणपति का संतान प्राप्ति के लिए पूजा आदि कर रहे हैं तो किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर मेरा जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी के मन में भी ऐसा इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें कि हाँ आपको उस वीडियो का डिटेल चाहिए, तो मैं उस वीडियो का डिटेल मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी, अपलोड करूँगी वो वीडियो। दूसरी है कि अगर शादी के पर्पज से, अगर भाई बहन किसी की भी शादी नहीं हो रही है, शादी के पर्पज से अगर आप गणपति का घर में ला रहे हैं तो सिंदूर रूपी गणपति ले आइए और उनकी भी विशेष तरीके से पूजा आदि कीजिए। उनकी भी पूजा आदि करने की तरीका थोड़ी सी अलग होती है, तो उससे भी रिलेटेड अगर किसी को पूजा आदि चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। किसी का अगर मंगल दोष है तो मंगल दोष भी सिंदूर रूपी ही गणपति का लाके अपने घर में स्थापना कीजिए। तो क्योंकि एक वीडियो में सारी पूजा आदि बताना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर किसी भी भाई बहन को ऐसा है लगता है तो मैं वो वीडियो जरूर अपलोड करूंगी, पूरी डिटेल में अपलोड करूंगी कि हाँ आपका भी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूर्ण, ठीक है। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उसके पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़े, आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए, और हो सकता है कि आपके लिए काम की वीडियो और छूट जाए इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन दबाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है कि आपके काम की वीडियो आपको मिल जाए। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। आप लोग एक पेन कॉपी लीजिए, पेन कॉपी कर लेकर नोट कर लीजिए कि कैसे पूजा आदि करना है, थोड़ी थोड़ी बातों का बस हम लोगों को ध्यान रखना है। बक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, बक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्यशु सर्वदा। अर्थात मीनिंग है, यानी शब्दार्थ है, घुमावदार सूड वाले विशाल शरीर काय करोड़ सूर्य के समान महान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु हमेशा मेरे साथ मेरे कार्य बिना विघ्न के पूरे करें, और ऐसी हम पे कृपा करें कि मेरी हर कार्य बिना विघ्न की पूरी हो जाए, क्योंकि इन्हें विघ्नहर्ता ही बोलते हैं और ये हमारे विघ्नों को
अर्थ है। हम इनकी जब पूजा आदि करते हैं तो विशेष कर ये जरूर इनसे अर्चना आदि करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे जीवन में कोई भी काम हो, कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी काम हो, वो बिना विघ्न आए कार्य संपन्न हो जाए। अब बात करते हैं सही समय का कि क्या सही समय है पूजा आदि का। आप लोगों को मालूम है कि भाद्रपद मास में गणपति जी की आती है, शुक्ल पक्ष और चतुर्थी तिथि में ये कृष्ण भगवान की हमेशा पड़ता है पूजा आदि का। इस बार का विशेष इसलिए भी है कि ये बुधवार को हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। चतुर्थी इस बार भी 2 दिन लग रहे हैं, 30th and 31st, लेकिन 30th को हमें नहीं करना है, 31st को ही करना है। बुधवार भी पड़ रहा है और उदय तिथि के हिसाब से उसी दिन पूजा आदि होना चाहिए। 31st अगस्त को दो आपके लिए शुभ टाइम है, 6:12 से लेकर 6:19 तक। उस बीच में अगर आप पूजा आदि करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दूसरा जो टाइम है 10:53 यानी 10:53 से लेकर 12:21, इसमें पूजा आदि हमें करना है। घर में गणपति को जब ले आते हैं तो पान और सुपारी पे लेके आइए उनको, या फिर ध्रुवा पे लेकर आना है। घर के दरवाजे पे आते हैं तो घर वाले लोग उनका वेलकम करने के लिए तैयार रहे, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात इस बात का ध्यान रखना है कि लाल कपड़े से उनको ढक के लाना है और जो मुख होती है मुख सामने की तरफ होती है, क्योंकि मुख जो होता है शुभ होता है और उनकी जो पीठ यानी पिठास जो होती है वो अशुभ फल देने वाला होता है। तो ढकने के बाद भी उनके सामने की तरफ उनकी चेहरा होनी चाहिए, फेस होनी चाहिए। जहाँ पे उनको स्थापना करना है, स्थापना लाल कलर की चौकी, लाल जो भी चौकी है लाल कलर के कपड़ा वहां पे बिछा दीजिए। बिछा के चावल मूर्ति के साइज के हिसाब से चावल रखना है और उनको वहां पे स्थापना करना है। स्थापना करके उसके बाद से कलश आदि ये सब सारी आप तैयारियां कर लीजिए। सब तैयारी करने के बाद आप ही नहा हुआ के सब करके आप बैठिए, संकल्प लीजिए हाथ में पानी और फूल आदि लेकर कि जिसके लिए भी आप ये पूजा आदि कर रहे हैं, जो भी आपके मन में इच्छा है वो इच्छा आपका पूरा हो और पूजा आप शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको अष्ट दल बनाना है, अष्ट दल बना के आपको वहाँ पे चावल के अष्ट दल बनाने होंगे और वहाँ पे आप कलश रखिए, नारियल रखिए, पंच पलव डाल के जो कलश की पूजा होती है कलश का आपको पूजा करना है। उसके बाद से ध्रुवा आप लोटे में जो है पात्र में आपको पानी लेना है, गंगा जल पानी मिला के लेना है और उसे क्या करना है आप अपने चारों तरफ का वातावरण को शुद्ध कीजिए, खुद के ऊपर भी डालिए और जो आसनी पे बैठे हैं आसनी के नीचे जरूर डालिए, क्योंकि मान्यता ये है वेदों की तरफ से कि आसनी के नीचे अगर आप पानी जल का छिड़काव नहीं करते हैं तो जो भी पूजा आदि आप करेंगे उसकी जो फल होगी वो फल धरती मां पूरी खींच लेंगी और उसको आपका फल नहीं मिलेगा। तो वहां पे भी थोड़ा सा जल का छिड़काव कीजिए। अब उस ध्रुवा से गणपति के ऊपर हल्के हल्के छिड़काव कीजिए जिससे कि उनका स्नान आदि हो। उसके बाद से आपको आपको बनाना है पंचामृत, पंचामृत से आप उन पे छिड़काव कीजिए। छिड़काव करने के बाद से फिर से जल आदि से छिड़काव करके उनको शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने के बाद उनको वस्त्र दीजिए, वस्त्र लाए हैं कोई भी लाल कलर का तो वस्त्र दीजिए, धोती गमछा जो भी है आप दे सकते हैं, नहीं तो आप कलावा है कलावा भी आप पहना सकते हैं उनको। उसके जनेऊ जरूर पहनाइए, जनेऊ पहनाइए, तिलक आदि उनको कीजिए। लाल वस्त्र जैसे कि आपको बताइए कि लाल वस्त्र ही पहनाइए। उसके बाद आपको उनको सिंदूर लगाना है, ये याद रखिए कि सिंदूर हो गए, हल्दी हो गए, कुमकुम हो गया, रोली हो गया, सब कुछ चढ़ता है गणपति को, अबीर हो गया और जो शाइन शाइन करता है अबरक जिसको बोलते हैं वो हो गए, वो सब कुछ गणपति पे चढ़ता है। तो वो आपको लेकर आना है, वो सब कुछ चढ़ाना है। उसके बाद फूल माला आदि चढ़ाइए, चरणों में उनको ध्रुवा जरूर रखिए, जहाँ भी उनके जहाँ दोनों तरफ ध्रुवा आपको रखना है और ध्रुवा जितना भी रख सकते हैं आप ध्रुवा रखिए। सुबह शाम दोपहर 3 टाइम आपको ध्रुवा उनको चेंज करना है क्योंकि उनको बहुत पसंद है। शम्मी का फूल है आपके पास या पत्ता है तो पत्ता भी चढ़ाइए, गिन के चढ़ाइए, 3 चढ़ाइए, हमेशा 3, 5, 7, 9, 11 जो भी आप उसके हिसाब से आपको चढ़ाना है।
दिया जलाइए, दिया जब भी जला रहे हैं जहाँ भी दिया रख रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा चावल आपको अक्षत वहाँ पे रखना है। हमेशा बोलती हूँ अपने हर वीडियो में कि अक्षत हमेशा ध्यान रखिए कि टूटे हुए नहीं होनी चाहिए, सारे गोटे होने चाहिए। रख के ही दिया रखना है, जलाना है। थोड़ा सा बत्ती के अंदर जो दीप बना रहे हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा चावल डालिए, क्योंकि ये भी मान्यता है कि जो हम दिया बनाते घी की दिया बत्ती कभी भी पूरी बत्ती नहीं जलना चाहिए। तो थोड़ा सा रख देने से क्या होता है कि बत्ती पूरा नहीं जलता है, या फिर आप एक 1 रुपये का सिक्के भी रख सकते हैं, उसी को धो धो के आप बार बार यूज कर सकते हैं, इससे भी पूरी बत्ती नहीं जलती है। अखंड दिया जलाना चाहते हैं तो आप अखंड दिया भी जला सकते हैं, 1.5 दिन, 3 दिन, 5, 7, 9, 11 जितने दिन भी आप गणपति रख रहे हैं उतने दिन आप संकल्प करके अखंड दीप आप जला सकते हैं, ठीक है। प्रसाद आदि चढ़ा दिए, फल 5 तरीके का आप फल चढ़ाइए, मोदक भी चढ़ाना चाहते हैं तो आप मोदक भी चढ़ाइए। लौंग इलायची पान में 1 लौंग इलायची करके आपको वो भी गणपति को बाद में चढ़ाना चाहिए प्रसाद भोग लगाने के बाद से। फिर उसके बाद से उनको मीठा मीठा पान चढ़ाइए, अगर मीठा पान अगर लौंग इलायची पान चढ़ा रहे तो ठीक है, नहीं तो मीठा पान और भी अति उत्तम है, वो भी आपको चढ़ाना है। सब पूजा आदि अर्चना आपने कर लिया, आपने प्रार्थना कर ली, आपने आरती कर ली, सब कुछ कर लिया। एक चीज बहुत विशेष करके मैं बताऊंगी कि जब गणपति की आप अपना स्थापना करते हैं अपने घर में, तो एक पात्र में, खासकर आपके पास अगर चांदी का पात्र हो तो चांदी के पात्र में आप कमलगट्टा और इलायची, यानी कि कमलगट्टा और इलायची, 5 इलायची और 5 कमलगट्टा आपको पात्र में रखना है। और जितने दिन भी आप मूर्ति रखे हुए अपने घर में, प्रतिमा पूजा आदि कर रहे हैं, उतना दिन उनको वहां पे रखना है। जब पूजा संपन्न हो जाता है तो जो इलायची है, इलायची के प्रसाद रूपी आप चाय में डाल सकते हैं, सब्जी में डाल सकते हैं, कोशिश कीजिएगा कि नॉनवेज में ना जाए। तो आप ध्यान रखिएगा कि चाय में ही डालें, यानी कि जो चाय पत्ती का जो डब्बे होंगे उसमें आप उसको पाउडर बना के डाल दीजिए, तो ये इधर उधर नहीं होगा। जो कमलगट्टा है, कमलगट्टे को लाल कलर के कपड़े में बांध दीजिए, उसमें कुछ ध्रुवा रखिए, ध्रुवा रख के बांध के और उसको अपने तिजोरी में रख लीजिए, या फिर आप उसको मंदिर में भी रख सकते हैं। और ध्रुवा उनका बदलते रहिए, ध्रुवा उनको बदलना है। और उनकी जो भी पूजा आदि कर रहे हैं, चावल अक्षत उनके ऊपर चढ़ाइए, अक्षत का जितना ज्यादा हो सकता है आप उतना ज्यादा उपयोग कीजिए पूजा आदि में। तो कलश के नीचे भी रखिए, मूर्ति के नीचे भी रखिए, दिए के नीचे भी आप रख रहे हैं, ठीक है, और ऐसे भी आप उनको चढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके लिए बहुत प्रिय होता है। तो आपको कुछ कुछ यही सारी विशेष बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कोई और मनोकामना पूर्ति से के बारे में जानना है कि गणपति का हम ला रहे हैं और हमें पूजा आदि कैसे करना है, उसके बारे में मैं वीडियो आपको चाहिए होगी तो वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और कमेंट बॉक्स में आप ये भी डालिए, ओम गणपति नमः।